तो सीधे तौर पे एक सबसे बड़ी न्यूज़ अभी ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी अभी बयान दिया है कि हम किसी भी वक्त भारत पे हमला कर सकते हैं, और इस हमले का और इस युद्ध का जो अंत होगा वो न्यूक्लियर बॉम्ब से होगा। और इन्होंने अभी अभी रैली की है, जस्ट अभी रैली करके लोगों से बताया है, सीधे तौर पे बात की है और कहा है कि हम बताएंगे आप लोगों को कि कब बॉर्डर पे जाना है और क्या करना है। और आप उनके पहला ये बयान सुनिए जो उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना तो ये भी सुन ले। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से खुलेआम बयानबाजी होती है पाकिस्तान में, और किस तरीके से आड़े हाथ लेते हैं ये लोग इंडियंस को, और किस तरीके से वहाँ के जो जनरल हैं वो खुलेआम ये बोलते हैं कि हम कभी भी अटैक कर सकते हैं। और मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि अगर युद्ध हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा। मैं आई लिंक पर वो आपको वीडियो दे देता हूँ जिससे आप ये देख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो क्या होगा, हमारे पास कितने परमाणु बॉम्ब हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, और पाकिस्तान के पास कितने हैं। आपको मैं बता दूं कि हर हालत में, हर किसी सिचुएशन में भारत डील कर सकता है पाकिस्तान से। अगर युद्ध हुआ तो ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, इंडिया को थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन पाकिस्तान की पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी ही ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान की। और न्यूक्लियर वॉर करना कोई आम बात नहीं होती है। मैं बता दूं, एक ही बार आज तक हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी, उस पर भी मैंने वीडियो दिया है कि क्या अंजाम है और आज तक हम क्या देख रहे हैं। तो इस तरीके से बयानबाजी हुई है, तो इस तरीके से बयानबाजी आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है। लेकिन मैं एक बात आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ कि भले इमरान खान ने ये ज़रूर कहा है, दावा किया है कि वो अटैक कर देगा और अंत परमाणु बम से ही होगा, तो मैं आपको एक बात एकदम एश्योर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी पाकिस्तान नहीं करेगा, ऐसा कर ही नहीं सकता पाकिस्तान। पाकिस्तान के हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर हमने अटैक किया तो भारत भी अटैक करेगा। और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये मुजफ्फराबाद का है, वहाँ के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। कश्मीर का मसला इस वक्त इंसानियत का मसला है। 40 दिनों से हमारे कश्मीरी भाई बहने, बुजुर्ग, बच्चे कर्फ्यू के नीचे हैं, और मैं आज खास तौर पे नरेंद्र मोदी आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं। तो ये जो स्पीचेस आप सुन रहे हैं वो इमरान खान ने खुद दिए हैं, और आप जिस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अभी हाल ही में आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाया गया है, तो उससे भी बौखलाए पाकिस्तान ने, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐसे भाषण दिए कि आप इस जुल्म जितना मर्जी जुल्म कर ले आप कामयाब नहीं होंगे। इस बारी या जेटा या फौज आए तो मैं बार बार कह बैठा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। ये वो काम है जो आखिरी दम तक तुम्हारा मुकाबला करेगी, एक दफा जंग हो गई। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज आपको मिलती रहे बिना किसी रुकावट के, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर आए। हिटलर को रोको, ये वक्त किसको